भाई हम लोग आए थे बॉटम अंडर ऊपर, अब हमें जो आपको छत से बता रहा हूँ व्यू, छत से व्यू कैसे देखे बैठे हुए, और ये देखिए ऊपर तक जा रहा है भाई, ये इतना ज़बरदस्त मंजर है भाई। मैं तो आगे सर्दी गर्मियों में आएगा ये तो पूरा खुला होगा, क्योंकि ग्लेशियर भी ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल उसका वाटरफॉल भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आप ये देखें टूरिस्ट भी आएंगे, चलिए थोड़ा आपने व्यू करके बता रहा हूँ कि टूरिस्ट आएंगे आपको, और यहाँ से मैं आपको इस साइड से व्यू भी बता रहा हूँ, ठीक है। और ये आगे ये थोड़ा सूखा सूखा है, लेकिन अब आप गर्मियों में आए तो मेरे ख्याल से उसको और थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त जगह है, आए हमेशा इंजॉय। अच्छा भाई दोस्तों, ये है वेलकम टू खरमांग, सही है। ये यहाँ का एक पॉइंट है, जो कि वापसी में हम लोग जब वाटरफॉल से आ रहे थे, तो ये मैं आपको थोड़ा सा इसका मंजर दिखा रहा हूँ। यार क्या जगह है वाकई में, यार बड़ी खूबसूरत जगह है। थोड़ा और इसको मैं हाइक करता हूँ और अब खाली इसको व्यू दिखाता हूँ इसका, और क्लास जगह ये देखें। तो ये खरमांग बोलते हैं इसको, ठीक है। आप आए तो पॉइंट देखें इसका भाई, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं खरमांग जगह, वेलकम टू खरमांग, ठीक है। और ये गांव है एक तरह से, इसको एक पॉइंट दिया हुआ है, और बड़ी क्लास की जगह है यार, ज़बरदस्त। और मौसम भी अच्छा है, बना लेते हैं देख लेते कैसा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाई हम लोग मंटू का वाटरफॉल 23 किलोमीटर टूर है, और अभी हम लोग सीखना कल्पू है, और कांची है खारवेंगे, ठीक है। ये मंटू का वाटरफॉल हिस्ट्री है, ये देखें जबरदस्त। चलो आगे बढ़ते हैं, ये इंडस्ट्री वगैरह भाई। हाँ जी जी, इस वक्त हम खड़े हैं छिंदो ब्रिज पर। छिंदो ब्रिज जंक्शन है इंडस रिवर और शोक रिवर का। शोक रिवर आती है सियाचिन से, और यहाँ से इंडस रिवर में इन होके इसकी कहानी क्लोज होती है शोक रिवर का। और ये इंडस रिवर इंडिया से होते हुए आके पूरे आगे कराची तक जो जाती है, जो इंडस रिवर जिसको दरिया सिंध भी कहते हैं, सिंधु दरिया भी कहते हैं, वो है ये कारगिल से आती है। और इन दोनों का यानी सियाचिन वाली दरिया और कारगिल वाली दरिया का मिलाप इस छिंदो ब्रिज के करीब होता है। ये जो सामने आपको सामने वो जो बंदा टहल रहा है, ये इन दोनों का जंक्शन है सर।
लोग स्कर्टून के बाजार में आए हैं और हम यहाँ पर खाएंगे चपली कबाब। यहाँ पे टेस्ट करके बताएंगे आपको चपली कबाब की टेस्ट कैसे। अभी ये है भाई तंदूर की रोटी, ये भाई सबसे बड़ा ब्रिज है। क्या ब्रिज का नाम क्या? पहाड़ द ब्रिज। से मुखातिब है इस वक्त हम एक ऐसे सस्पेंशन पर जाने मौलिक खड़े हैं जिसका शुमार एशिया के पहले जो है ना मौलिक में होता है। 800 फीट लंबा ये पुल जो ना अपनी रूप अपनी खूबसूरती अपनी सकाफती लिहाज से और अपने खेती के दर्जा के लिहाज से अपनी मिसाल आप हैं जो आप तस्वीर देते हैं। इंडस रिवर के ऊपर है ये जो दरियाए हिस्से ने इसके ऊपर से करना है। ये आप देख रहे हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम जो है इसके ऊपर ट्रेनिंग करते हुए आपसे मिलते हैं।